दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं रोजी और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, अभी चल रही है वेट लॉस सीरीज, जिसमें हमने उपासना मैम की डाइट को एज अ चैलेंज फॉलो किया है। 10 दिन तक हम इस डाइट को फॉलो करेंगे और 10 दिन के बाद देखेंगे कि हमारा वेट कितना कम हुआ है, हुआ भी है या नहीं। क्योंकि जो वेट लॉस है तो बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है किसका कितना कैसे होता है। किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, किसी का कम भी हो सकता है। तो मेरा जो फैट है वो स्टबर्न फैट है, पता नहीं कम होगा या नहीं। तो इस वीडियो में मैं डे नंबर 3 और डे नंबर 4 को आपको दिखाने जा रही हूँ कि मैंने तीसरे और चौथे दिन पर क्या क्या मैंने डाइट की। डे नंबर 3 मेरा फिर भी ठीक था, पर डे नंबर 4 पर मेरी जो डाइट है वो ख़राब हो गई, क्योंकि उस दिन का संडे और मेरे घर पर कुछ गेस्ट आए हुए थे। डाइट तो मेरी हेल्दी ही थी, पर जो मैम ने अपने चार्ट में दिया है उसके अकॉर्डिंग वो नहीं हो पाया, थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है। जैसे कि स्वीट्स वगैरह और भी थोड़ा सा, वो मैं आप आगे डिटेल में देखेंगे। हम पहले डे नंबर 3 की बात करते हैं। तो डे नंबर 3 में मैंने मॉर्निंग में अपना सब कुछ सही लिया, पर दोपहर का जो लंच टाइम था उस टाइम पर मुझे बाहर खाना पड़ा, क्योंकि हमारे घर पर थी विश्वकर्मा पूजा, जिसमें कि ये सारी चीज़ें होती हैं, खाना होता है, प्रसाद होता है। तो प्रसाद के रूप में वहाँ पर हमें खिचड़ी मिली थी, तो वो खाया एक छोटी कटोरी, स्मॉल साइज जो होता है। वो भी दाल खिचड़ी थी, तो उतना अनहेल्दी नहीं था, क्वांटिटी मैंने कंट्रोल में रखी, तो वो हो गया। उसके बाद इवनिंग में फिर मैं जो मैम की डाइट के अकॉर्डिंग है वो सब, और नाइट में। पर फोर्थ डे पर आते आते जो मेरा मॉर्निंग तक तो सब सही था, लेकिन लंच में मैंने रोटी ली, चावल लिया, पर सब्जी के लिए वो वहाँ पर आलू गोभी की सब्ज़ी ऐड हो गई और थोड़ी पनीर की सब्ज़ी ऐड हो गई, और साथ साथ एक स्वीट भी आ जाता है। अब गेस्ट आए हैं, खाना हो रहा है, स्वीट्स ना हो तो पॉसिबल नहीं है, तो थोड़ा वो। बाकी लंच में मेरा ये नॉर्मल रहा। डिनर में मैम के अकॉर्डिंग जो लेना चाहिए था वैसा कुछ नहीं था, गोभी की सब्ज़ी और थोड़ा सा राइस, वो भी आगे मैंने ऐड किया हुआ है वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो ये सब सही था। डे 1 और डे 2 तो मेरा बहुत अच्छा गया, जैसे मैम ने बताया वैसे था। डे 2 पर मेरा वेट थोड़ा कम हुआ, मैंने स्केल पर किया था, नापा था, तो थोड़ा बहुत कम हुआ, पर ठीक है। पर डे 3 और 4 मेरा थोड़ा सा स्पॉइल हो गया। हाँ, डे 1 और डे 2 के एक्सपीरियंस की बात करूँ, जैसे डे 1 मैंने थोड़ी सी चाय अपनी डाइट में ऐड करी थी, तो डे 1 मैम के चार्ट में चाय नहीं है, पर मैंने ऐड करी। लेकिन डे 2 मैंने ट्राई किया कि मैं चाय बिल्कुल भी ना लूँ। उल्टा ये हुआ कि मैंने, जहाँ मुझे चाय की इतनी हैबिट है, मैं दिन में 2 से 3 बार चाय ले लेती हूँ, और चाय को मैंने सडन पूरी तरह कट कर दिया। तो उस दिन ना डे 2 पर मुझे थोड़ा हेडअप था, तो इसलिए मैंने डे 3 फिर मैंने थोड़ी सी चाय ली विदाउट शुगर, और वो मैं फॉलो कर ही रही हूँ उस चीज़ को, क्योंकि अगर मैं नहीं लेती हूँ तो मुझे हेडअप होने लगता है। मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के साथ मैं थोड़ी चाय लेती हूँ शुगर फ्री। तो जहाँ तक हम आगे की बात करते हैं मील्स की बात, तो हम आगे डिटेल में देखेंगे, उसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मॉर्निंग की स्टार्ट होती है वेट अपडेट के साथ, वेट चेक करते हुए। उसके बाद वही अपना रूटीन, मॉर्निंग ड्रिंक जिसमें हमने जीरा और दालचीनी के पानी को पिया है, गर्म करके उबाल कर पहले उसे रात भर सोक किया है गिलास पानी में, फिर उसे अच्छी तरह उबाला और पिया। फिर मॉर्निंग में 8:30 बजे मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट में सूजी चीला का ऑप्शन था, मैंने लाइफ में पहले कभी बनाया नहीं था, ये फर्स्ट अटैम्प्ट था, और फर्स्ट चीला बहुत बुरी तरह ख़राब हो गया। पता नहीं कहाँ क्या गलती हुई, बेसन चीला तो बहुत अच्छी तरह बन जाता है, पर ये नहीं हो पाया। लेकिन फर्स्ट चीला ख़राब होने के बाद दूसरा चीला बहुत अच्छी तरह बना था, बस थोड़ा सा ब्रेक हुआ, पर ये फ्लिप बहुत अच्छी तरह इजीली हो गया था। पर जो चीला ख़राब हुआ था वो भी मैंने खाया, क्योंकि वो अच्छी तरह कुक हो चुका था और क्रिस्पी था, तो मैंने खा लिया। इतनी मेहनत करने के बाद अब बारी आती है मॉर्निंग स्नैक्स की, जो मैंने 11 बजे करीब किया था, और मैं 11 बजे ही करती हूँ, जिसमें मैंने एप्पल लिया था। ऑप्शन बहुत सारे हैं, पर मैं एप्पल और बनाना रखती हूँ, क्योंकि बहुत इजीली मिल जाता है। इसके साथ साथ ग्रीन टी, दिन में 2 बार आपको ग्रीन टी ज़रूर लेनी है, और साथ ही साथ 3 लीटर पानी, ये मैंडेटरी है। डाइट करनी है ये वाली डाइट, अगर आप फॉलो करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आपको प्रायोरिटी देनी होगी। पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पानी अगर आप डाइट नहीं भी करते हैं तो भी बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे घर पर पूजा थी, आप देख रहे हैं विश्वकर्मा डे था, तो हम पूजा में गए थे। साथ ही साथ आप थोड़ा व्यू भी देख सकते हैं, मंदिर के पीछे गार्डन था,
एक छोटा सा तालाब था। मंदिर के लिए जो फूल की ज़रूरत पड़ती है वो सब यहीं से ले लिए जाते हैं। पूजा में बैठे बैठे पैर दर्द होने लगे थे क्योंकि ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, हैबिट नहीं है, तो थोड़ा सा वॉक के बहाने हमने मंदिर भी घूम लिया, देख भी लिया, सब कुछ हो गया। हमारे साथ साथ आप भी देख सकते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स भी लगे हुए थे, कड़ी पत्ता था, केला था, नींबू भी था, अमरूद भी था, पर वहाँ तोड़ना मना है, सिर्फ और सिर्फ मंदिर के लिए ही वो यूज़ होता है। वहाँ से आकर मैंने थोड़ा रेस्ट किया, फिर 5 बजे अपना इवनिंग स्नैक्स का टाइम हो चुका था। मैंने लिया एक टोस्ट, उस पर लगाया पीनट बटर, ये पीनट बटर होममेड है, मैंने घर पर बनाया था, साथ ही साथ ग्रीन टी। डिनर तक हुआ ये कि हमें शाम को सडन बाहर जाना पड़ा, ज़रूरी काम था। वहाँ से आते आते बारिश हो रही थी, भीग चुके थे, कुछ हैवी खाने का मन नहीं था और बनाने का तो बिल्कुल भी नहीं था, तो इसलिए मैंने सैलेड ही ले लिया। ये खीरा और चुकंदर मैंने काटा, ऊपर से ब्लैक पेपर और काला नमक डाला और रात को खाया। इसके थोड़ी देर बाद मैंने अपनी नाइट ड्रिंक रिपीट करी, जीरा और सिनेमन वाटर बॉयल किया और पी लिया। चलिए नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे वही अपना मॉर्निंग ड्रिंक, जैसे कि आप अब तक जान चुके होंगे, जीरा सिनेमन का उबला हुआ पानी जिसे चाय की तरह सिप सिप करके पीना है, और यहाँ पर स्टीम से मेरे कैमरे पर भी स्टीम जम गई। छानने के बाद इसे थोड़ा सा नॉर्मल करके मैंने पिया क्योंकि खोलता हुआ तो कोई पी नहीं सकता, और इसका टेस्ट ना बहुत नॉर्मल सा होता है। मॉर्निंग में 8:30 बजे फिर मैंने अपना नाश्ता किया। नाश्ते में मैंने पोहा रिपीट किया, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं पर पोहा इजी हो जाता है, मैंने फटाफट पोहा बना लिया। पोहे में मैं पीनट ज़रूर डालती हूँ क्योंकि विदाउट पीनट पोहा उतना अच्छा नहीं लगता, वेजिस विद पीनट। तो ये था मेरा ब्रेकफास्ट। फिर बजे 11 जिसमें मैंने लिया अपना मॉर्निंग स्नैक्स, बनाना विद ग्रीन टी और ये सिनेमन वाटर का कलर देख करके समझ नहीं आता कौन सी ग्रीन टी है और कौन सा सिनेमन वाटर है। हाँ, तो हम बात करें लंच की, तो लंच मैंने बहुत हैवी कर लिया था, हैवी मतलब थोड़े से चावल और एक चपाती विद पनीर की सब्ज़ी और गोभी की सब्ज़ी, क्योंकि मेरे घर पर गेस्ट आए हुए थे। फिर आज मैंने फिर डिनर में ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर राइस और सब्ज़ी और सैलेड यही किया, और रात में फिर से मैंने अपनी नाइट ड्रिंक रिपीट करी सिनेमन वाटर। आज की जो डाइट थी वो मेरी थोड़ी सी ख़राब हो गई बिकॉज ऑफ लंच, लंच में मैंने स्वीट्स ले ली थी। तो ये था मेरा डे नंबर 3 और 4। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। डे नंबर 1 और 2 की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।